हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट पीरियड में मैंने कहा था कि आपको हमारा क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि कैसे एक्सरसाइज करना है ये आपको अच्छे से पता है अभी. ओके तो किया है सबने एक्सरसाइज? करना है बोला था मैंने. नहीं किया होगा तो इट्स ओके, बट करना ही है नेक्स्ट पीरियड से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ नमस्क्रिया. जॉइन योर हैंड्स, Close your eyes, smile on your face. So, let's start with me. Angikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vangmayam Aharyam Chandra Taradi तम वंदे सात्विकम शिवम. रिलैक्स, स्लोली ओपन योर आईज. ओके, सो आज हम पहले मुद्रा की रिहर्सल करेंगे. ठीक है, पहले 14 मुद्राज चंद्रकला तक करेंगे. ओके, स्टैंड प्रॉपरली. ओके, राइट हैंड साइड में रहेगा इन नॉर्मल पोजिशन. ओके, मेरे साथ ही बोलना है. अभी लास्ट पीरियड में हमने सीखा है, सो आपको आता है, मेरे साथ ही आपको रिपीट करना है. इज दैट क्लियर? पताक, त्रिपताक, अर्ध पताक, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुखतुंड, मुष्टि, शिखर, कपित्य, कटकामुख, सूचि, चंद्रकला. ओके, क्लियर? चंद्रकला तक. वन मोर टाइम विल डू. ओके, लेट्स डू विथ मी. Which one? पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, मुष्टि, शिखर, कपित्य, कटकामुख, सूची, चंद्रकला. ओके, रिलैक्स. चंद्रकला तक समझ में आया सबको? ये पूरा 14 जो है रिपीट आपको पूरा रिहर्सल करना है. ठीक है, मेरे साथ ही करना है, ऐसे नहीं क्लास में. तो बाद में भी जो भी सिखाया है आपको, तो वो आपको रिपीट करना है मुद्राज, क्योंकि मुद्राज में डांस का बहुत इंपॉर्टेंस है. विदाउट मुद्राज वी कांट डांस. सो मुद्राज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. ओके, सो नाउ अभी क्या करना है? तत्ताड़ू हमने सीखा था लास्ट पीरियड में, राइट? तीन लय में सीखा था. कितने लय में करना है बोला था मैंने? तीन लय में. कौन से है वो तीन लय? फर्स्ट वन विलंबित लय, सेकेंड वन मध्य लय, एंड थर्ड वन द्रुत लय. तो तत्ताड़ू के जो फाइव टाइप्स थे बीट का, तो वन बीट, टू बीट, थ्री बीट, फोर बीट एंड फाइव बीट. फाइव बीट तक हमने विलंबित लय में कैसे करना है, मध्य लय में कैसे करना है और द्रुत लय में कैसे करना है, ये सीखा, राइट? तो अभी क्या करेंगे? ब्रेक लिया था हमने लास्ट क्लास में विलंबित लय आपको समझने के लिए, विलंबित लय में कैसे करना है. देन आफ्टर दैट विल टेक अ ब्रेक. आफ्टर मध्य लय भी हमने ब्रेक लिया, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय के बाद ऐसे ब्रेक लेते लेते किया. तो अभी आपको अच्छे से समझ में आया है कि हाउ इट वॉज इन विलंबित लय, मध्य लय एंड द्रुत लय. सो ये भी तीनों हम एक साथ करेंगे अभी. ठीक है, तो फर्स्ट बीट में हम एक बार एक लेग टैप करते थे, राइट? तो अभी क्या करेंगे, आपको आता है तो हम लोग डायरेक्टली थर्ड बीट करेंगे, थर्ड बीट एंड फिफ्थ बीट. ओके,
ये दो बीट करेंगे, ओके। थर्ड बीट का बोल क्या है? तई तई ताम, ओके। तो मेरे साथ तीनों लय में करेंगे अभी, ठीक है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय नॉन स्टॉप करना है तीनों लय में। मैं चेंज कर रही हूं जब, तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी मध्य लय, अभी द्रुत लय, ओके। सो स्टैंड प्रॉपरली, बेंडिंग पोजिशन, कटका मुख मुद्रा में दोनों हाथ अपना, बेंडिंग पोजिशन करेक्ट है क्या नहीं चेक करो। कटका मुख मुद्रा में एक हाथ लेके चेक किया। सो हाथ कमर पे रखो। बॉयज को कैसे रखना है, मैंने कहा था हाथ बॉयज ऐसे रखना है, ठीक है, एंड गर्ल्स ऐसे रखोगे, ठीक है। लेट स्टार्ट। तत्ताडू इन थ्री बीट, ओके। सई सई साम, सई सई साम, विलंबित लय कर रहे। सई सई साम, सई सई साम, सई सई साम, सई सई साम, मध्य लय सई सई साम, 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 द्रुत लय सई सई साम, 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 सई सई साम। रिलैक्स, ओके। तो तीनों बीट कंटिन्यूअसली कैसे करना है समझ में आया आपके, थ्री बीट का? तो अभी हम फाइव बीट का करेंगे, ओके। फाइव बीट का बोल क्या है? तई या तई या तई तई ताम, तई या तई या तई तई ताम। इज दैट क्लियर? ओके। जब भी प्रैक्टिस करो तो बोल के साथ ही करो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। कमर पे हाथ, बेंड डाउन वन लेग फाइव टाइम्स, ओके। इन विलंबित लय वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तई या तई या तई तई साम, तई या तई या तई तई साम, तई या तई या तई तई साम, तई या तई या तई तई चेंज, तई या तई या तई तई ताम, तई या तई या तई तई ताम, तई या तई या तई तई ताम, तई या तई या तई तई चेंज, तैया तैया तई तई ताम, तैया तैया तई तई ताम, तैया तैया तई तई ताम, तैया तैया तई तई ताम। रिलैक्स। सो जब मैं चेंज बोलूंगी तो आपको अलग लय में कन्वर्ट होना है, आया समझ में बात? ओके। तो फिफ्थ बीट कैसे कंटिन्यूअसली करना है, चेंज कैसे करना है, ये पूरा समझ में आया? ओके। नाउ आज हमें सीखना है शिरोभेद, ओके। थ्री टाइप्स के अलग अलग भेद है, ग्रीवा भेद, शिरोभेद और दृष्टि भेद, ओके। तो उसमें से आज हम क्या सीखेंगे, शिरोभेद सीखने वाले हैं, ओके। शिरोभेद मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, थोड़ा जो भी वर्ड है उसको अच्छे से रिमाइंड करो कि इसमें अगर ये वर्ड से मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट इज मीन बाय शिरोभेद। पूरा ये संस्कृत वर्ड है, राइट, शिरोभेद। शिर मीन्स व्हाट, हेड, संस्कृत में शिर मीन्स हेड कहा जाता है, ओके। शिरोभेद मीन्स हेड मूवमेंट्स, ओके। इज दैट क्लियर? सो विल सी नाउ शिरोभेद, ओके। तो क्या सीखेंगे, शिरोभेद का मीनिंग समझ में आया? शिरोभेद मीन्स व्हाट, हेड मूवमेंट्स, ओके। तो शिरोभेद कैसे है, हाउ एग्जैक्टली, वन बाय वन मेरे पीछे बोलोगे आप, ओके। अभी सी शिरोभेद, फर्स्ट वन क्या बोलना है,
क्या है शिरोभेद में फर्स्ट वन सम, ओके क्या है सम, उद्वाहितम सम, उद्वाहितम अधोमुखम, ओके रिपीट करना है मेरे पीछे, अधोमुखम आलोलितम, आलोलितम धूतम, ओके धूतम कंपितम च, कंपितम च परिवर्तिता, परिवर्तिता उक्षिप्तम, उक्षिप्तम परिवाहितम, परिवाहितम। सो यहां तक जो है परिवाहित तक आपको वन बाय वन ये मूवमेंट्स करना है, कितने हैं सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ये जो है शिरोभेद कितने टाइप है, इसमें मूवमेंट्स कितने टाइप्स के करना है, 9 टाइप्स के करना है, ओके तो परिवाहित होने के बाद खड़े होके सिर्फ बोलना है कि नवधा, नवधा कथितम शीर्षम नाट्यशास्त्रे विशारदे, ओके तो पूरा श्लोक एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समा उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम द्रुतम कंपितम च परिवर्तितम उक्षिप्तम परिवाहितम नवधा कटितम शिष्यम नाट्यशास्त्रे विशारदे, ओके इज दैट क्लियर, पूरा श्लोक कैसे है समझ में आया है सबके। तो ये शिरोभेद के एक एक जो वर्ड है ना उसका अलग अलग मूवमेंट है, ओके हेड मूवमेंट्स है, तो खड़े रह के ही आपको हेड मूवमेंट्स कैसे करना है वो अभी सीखेंगे हम, ठीक है। तो समा का कैसे है हेड मूवमेंट्स, सी स्टैंड प्रॉपरली, समा मीन्स स्ट्रेट, ओके समा मीन्स आपको स्ट्रेट, ज्यादा ऐसे ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, एक पॉइंट कर लो अपने आंखों के सामने तो समा को आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, ठीक है। समा के बाद क्या है उद्वाहितम, उद्वाहितम मीन्स अपसाइड, ओके अब एक ना ऐसे मार्क कर लो आप यहां से आपके जितनी भी हाइट हो, ओके यहां से ऐसे और यहां से नीचे, तो ज्यादा ऐसे ऊपर भी नहीं देखना है, ओके पीछे। तो कैसे है उद्वाहितम मीन्स ओनली सी, आपकी हाइट जितनी है तो अपसाइड आपको ऐसे हेड मूवमेंट करना है, उद्वाहितम। अधोमुखम मीन्स डाउनसाइड, ये चिन्ह है आपका, चिन्ह यहां पे लगना चाहिए नेक को, ओके अधोमुखम, ओके थ्री पार्ट समझ में आया, सम मीन्स स्ट्रेट देखना है, सम उद्वाहितम अधोमुखम, ओके हाँ अधोमुख तक समझ में आया। आलोलितों को क्या करना है, हेड पूरा राउंड सर्कल में घुमाओगे फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ओके आलोलितम, ओके
तो पूरा घुमाना है। कैसे? लेट्स डू विथ मी। आलो लितम, स्लोली करना है। आलोलितम, ओके। आलोलितम होने के बाद क्या है? दुतम, ओके। सम उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोलितम। दुतम तो दुतम को क्या करना है? राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे देखना है। आप नहीं नहीं ऐसे बोलते हो ना, तो दुतम है ये, ओके। फ्रॉम राइट साइड टू योर लेफ्ट साइड, दुतम, ओके। दुतम समझ में आया। फिर है कंपितम च। कंपितम च मीन सिर्फ आगे पीछे ऐसे कंपित करना है आपको। वन एंड टू, थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर, ओके। कंपितम च समझ में आया। अभी परिवर्तिता कैसे करना है? कंपितम च तक करेंगे स्टार्टिंग से, फिर परिवर्तित देखेंगे, ओके। सम उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोलितम, द्रुतम, कंपितम च। परावृत्त को क्या करेंगे? ऐसे देखना है इधर लेफ्ट साइड में, वन साइड, ओके। परावृत्तम, फिर क्या है? उक्षिप्त। उक्षिप्त को क्या करना है? उसी साइड में आप देख रहे हो तो थोड़ा सा उसी साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखना है, थोड़ा सा ऊपर साइड में, उक्षिप्तम, ओके। उक्षिप्त होने के बाद क्या है? परिवाहितम, ओके। तो अप साइड आप देख रहे हो तो वहां से हाफ सर्कल आएगा, परिवाहितम, ओके। तो यहां पे है तो यहां से ऐसे हाफ सर्कल, परिवाहितम, ओके। परिवाहिततम समझ में आया? परिवाहित तक, सो आगे कोई हेड मूवमेंट्स नहीं है, परिवाहित तक ही हेड मूवमेंट्स है, ओके। तो आगे बोलो, लेकिन आपको श्लोक कंप्लीट करने के लिए आगे के टू लाइंस बोलना भी जरूरी है। क्या है आगे टू लाइंस? नवधा कटितम शिष्यम नाट्य शास्त्रे विशारदे, ओके। इज दैट क्लियर? पूरा वन बाय वन हेड मूवमेंट्स हाउ इट वाज, क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो अभी बोलते बोलते आपको मेरे साथ करना है, ठीक है। तो आपको मेरे साथ अगर लर्न नहीं है श्लोका तो आप देख के बोलो और मैं करूंगी, ओके। हाउ इट वॉज सी, पहले देखो। सम उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोलितम, द्रुतम, कंपितम च, परावृत्त, उक्षिप्त, परिवाहित, नवघा कटितम शिष्यम नाट्यशास्त्रे विशारदे, ओके। तो समझ में आया? किया सबने मेरे साथ? तो शिरोभेद कैसे है, समझ में आया पूरा? तो शिरोभेद आपको लर्न करना है, ओके। पूरा जैसे है वन बाय वन हेड मूवमेंट्स। कितने हेड मूवमेंट्स है इसमें? मैंने बोला था नाइन टाइप्स के हेड मूवमेंट्स है, नाइन टाइप है, ओके। तो हर एक का मीनिंग आपको समझ में आया है कैसे करना है, तो आपको ये पूरा नेक्स्ट क्लास तक पूरा रिविजन करना है, ओके। इज दैट क्लियर? नाउ शिरोभेद के बाद अभी क्या, एक न्यू अड़ू सीखना है हमें। कौन सा अड़ू है ये? विषरु अड़ू सीखना है, ठीक है। कौन सा अड़ू सीखना है? विषरु अड़ू। सो विषरु अड़ू मीन्स वॉट एग्जैक्टली? विषरु मीन्स स्प्रेड, ओके। विषरु मीन्स स्प्रेड, विषरु अड़ू तो स्प्रेड होना है हमें। राइट साइड स्प्रेड होंगे और फिर लेफ्ट साइड स्प्रेड होंगे, ओके। तो पहले हम विषरु अड़ू का
पैर कैसे करना है वो सीखेंगे। ओके, फर्स्ट पैर कैसे करना है, राइट साइड कैसे जाना है और लेफ्ट साइड कैसे जाना है। देखो नट्टाडू सीखा था हमने, ओके तो नट्टाडू के पैर कैसे है, तो विशरवाडू का भी पैर वैसे ही है, सेम एज इट इज, लेकिन जो हाथ के जो मुद्रास कर रहे हैं ना हम, तो उसमें थोड़े से चेंजेस है। ओके, नट्टाडू को कैसे किया था हमने, सिर्फ हाथ स्प्रेड करके किया था, 1 2 3 4। ओके, तो इसमें से हाथ का ही थोड़ा सा चेंजेस है, तो पहले पैर कैसे करना है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आपको हाथ सिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। सो कमर पे हाथ, बेंड डाउन, ओके, फर्स्ट राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड गए, ये एक पूरा हो गया, अभी लेफ्ट साइड जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कैसे करना है, मेरा पैर पीछे गया, ओके जब हम काउंटिंग कर रहे थे, ओके रिलैक्स नाउ। तो पैर कैसे है समझ में आया आपको, ठीक है, तो मेरे साथ अभी पैरों की प्रैक्टिस करोगे, हाथ कमर पे ही रहेंगे, हाथ के कुछ भी मूवमेंट्स आपको पहले नहीं करना है, ठीक है, बेंड डाउन प्रॉपरली, 1 2 डिस्टेंस अच्छे से लेना है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके वन मोर टाइम विल डू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। तो पैरों के पोजीशंस कैसे है, राइट साइड हम जा रहे हैं, ओके और लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो समझ में आया है आपको कैसे है, 8 काउंटिंग्स वी आर गोइंग टू डू राइट साइड एंड 8 काउंटिंग्स लेफ्ट साइड, ओके। तो हाथों को कैसे करना है अभी, सी हाथों में दो मुद्रा का यूज कर रहे हैं हम, पहले कटका मुख और अलपद्मा, थोड़ा सा देखना है अड़ुओं में हम कौन सा मुद्रा यूज कर रहे हैं, कौन से आई मूवमेंट्स यूज कर रहे हैं, कौन से हेड मूवमेंट्स, अभी हेड मूवमेंट सीखा तो हेड मूवमेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो हाथों के मूवमेंट्स कैसे है, सिर्फ क्या करना है, पहले कटका मुख में रहेंगे, तो आपको क्या करना है, पूरा नीचे से ऊपर हाथ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, जब ऊपर हाथ जा रहा है आपका तो फिर से कटका मुख मुद्रा में ही आएगा, ठीक है, देन 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे डिवाइड करना है आपको समझ में आया, हाथ मेरे साथ करो और एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके तो क्लियर हो गया हैंड मूवमेंट्स कैसे है। तो और हैंड मूवमेंट्स होने के बाद अभी क्या करना है, सो विशरवाडू का बोल क्या है, ठीक है, ता तई तई ता धी तई तई ता, ओके
वन मोर टाइम विल रिपीट विद मी ता तई तई ता धी तई तई ता ओके समझ में आया तो अभी फर्स्ट हम लोग काउंटिंग के साथ करेंगे आज सिर्फ ओके विल डू टेक योर पोजिशन बेंड ठीक है कटका मुख मुद्रा में दोनों हाथ हाथ और पैर एक साथ ही करेंगे अभी पूरा अड़ू करना है मेरे साथ ओके सो लेट्स स्टार्ट ता तई तई ता धी तई तई ता ता तई तई ता धी तई तई ता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 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 रिलैक्स योरसेल्फ तो समझ में आया बोल के साथ विषर वड़ू एग्जैक्टली कैसे करना है आपको तो आज क्या क्या सीखा तत्ताड़ू की प्रैक्टिस की ठीक है उसके बाद शिरोभेद सीखा उसके बाद विषर वड़ू सीखा तो शिरोभेद का आपको जो श्लोक है वो मूवमेंट्स करते करते प्रैक्टिस करना है ओके तो पूरा प्रैक्टिस करने के बाद आपको विषरु अड़ू भी करना है पूरा ओके विषरु अड़ू अभी करने के बाद आपको और एक बात की कौन सी प्रैक्टिस करना है तो तत्ताड़ू तीनों लय में कंटिन्यूअसली करने का आपको ट्राई करना है ओके विदाउट ब्रेक विलंबित लय मध्य लय और भूत लय ये तीनों लय में कंटिन्यूअसली आप अगर वन बीट में आपको वन बीट टू फाइव बीट आपको कंटिन्यूअसली आपका स्टैमिना नहीं रह रहा है तो आप डायरेक्टली आज हमने कैसा किया थर्ड बीट और फिफ्थ बीट पे किया डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली थर्ड बीट और फिफ्थ बीट तीनों लय में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे इज दैट क्लियर टू एवरीवन ओके थैंक यू